आलीशान शानदार घर, ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज तो ये है कि उनका आर्किटेक्ट है कपिल। अब कपिल का ध्यान उनके घर बनाने में है या फिर उनकी सेक्रेटरी को पटाने में, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम कपिल इज आर्किटेक्ट एंड श्वेता एज सेक्रेटरी। रेल भाई, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। मिके बाजी, आर्किटेक्ट हूँ मैं एक। आपको तो बताने का फायदा कोई नहीं, आपने कौन सा लेना देना आर्किटेक्ट से कुछ। अंदाजे से अपना घर बना लिया आपने। उस दिन अपना फ्लैट बनवा रही थी, मजदूरों को कह रही थी देखो मैं सीधा जाके राइट में किचन आना चाहिए, लेफ्ट में बाथरूम आना चाहिए। मजदूर भड़क गया इनपे, कहता अब एक कमरे के फ्लैट में क्या क्या बनवाओगी आप। एक ही कमरे का फ्लैट है, उस पर एक तो छत है ही, इन्होंने बीच में भी बनवा ली। लोगों कहती मेरा डुप्लेक्स है, क्या फायदा ऐसे डुप्लेक्स का जिसमें ऐसे करके जाना पड़े। So cute. सर जी, मैं आज बड़ा खुश हूँ, मेरे को ना एक्चुअली बहुत बड़ी ऑफर मिली है। वो पिंक फिशर वाले कालिया साहब नहीं है? अच्छा, उनका घर बनाने की जिम्मेदारी मिली मेरे को। उन्होंने मेरे को साफ साफ कहा है, कहते मेरा कमरा जो है ऊपर होना चाहिए। पता क्या, नीचे वाले कमरे में पिछली बार क्या उनके साथ, नीचे वाले कमरे में उनके बनाया, एक आदमी सीधा घुसाया, उनको आके सीधा बोलता मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ फिर साहब को बुलाओ। पता क्या चक्कर था, आदमी की शक्ल ठीक ठाक हो ना तो उसको चलाकी से काम लेना चाहिए। जैसे अपना ये सिद्धार्थ यादव नहीं, भारती का पार्टनर, अपनी शक्ल का बड़ा फायदा लेता है। एक तो लोग यकीन ही नहीं करते सेलिब्रिटी है। इनके घर में कोई चंदा लेने वाला आता ना, खुद ही दरवाजा खोल के कहता साहब घर पे नहीं है। नाई की दुकान पे चला जाना शेव कराने, नाई पैसे नहीं लेता, कहता भाई रहने दे, जब तेरी दुकान पे आएंगे हमारे जूते फ्री में पॉलिश कर देना। मिका भाजी, अच्छा ये बड़े दिलदार बंदे हैं, घर बनवाया ना मेरे से, कहते कोई बाथरूम कोई किचन नहीं चाहिए, सारे बेडरूम बना। ए बड़े प्यारे बंदे हैं। मैंने कहा सर जी इतने बेडरूम क्या करने हैं, कहते मैं तो सोच रहा हूँ हमर भी सड़क पे खड़ा करूं तो गैरेज में भी दो गद्दे लगा। वैसे भाजी आपका मैं इतना फैन हूं ना, मतलब क्या गाने गाते हैं आप। टिंका जी का तो अभी आपका लेटेस्ट हिट है, ये जो अभी नया गाना आया है सारी दुनिया मेरे इस पे। कहना क्या चाहते हैं आप, किस पे मतलब? इस पे मेरे दिल पे। चलो वो तो हमें भी पता है आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए भाजी, एक आप ही हो, मतलब ये गाना जो आपने लिखा ना पूरी फैमिली के साथ बैठ के आदमी सुने, और यही ऐसा गाना है कि ये गाना सुनने के बाद पूरी फैमिली उठती है, एक दूसरे को देखती नहीं, अपने अपने कमरों में चले। मेरे तू किधर अमृतसर में बैठी शूटिंग करी, तेरे को ज्यादा सर्दी लग रही है, हटा इसको शॉल को। शॉल लेके बैठी, हरी टी शर्ट पहनी, 100 रुपए की दिखा सबको। 100 रुपए। मैं सोच रहा हूँ काले साहब की वो नजर नहीं आ रही मेरे को, सेक्रेटरी किधर है? काले साहब, हेलो काले साहब। बेड़ा गर्क किनका, पिछले एपिसोड में बुड्ढी बनी थी कभी कुछ कभी कुछ, जैसे मी काया स्कर्ट पहन के आ गई। एक्सक्यूज मी, काले साहब की असिस्टेंट आ भी है। अरे वाह, तुमने कैसे पहचाना? नहीं, मेरे को किसने बताया था, जो क्लीन शेव आएगी वही होएगी, और जिसने फ्रेंच कट रखा होगा वो खुद काले साहब होंगे। अच्छा, और अगर काले साहब क्लीन शेव करके आ जाते तो? मैडम पागल ना बनाओ, फिगर नाम की भी कोई चीज होती है। अब आदमी क्लीन शेव करके इतना स्मार्ट लगे तो खुद ना स्कर्ट पहन के चले जाते, इतनी हेयर होस्टेस भर्ती करने की क्या जरूरत थी। बकवास मत करो, हैं? मुझे सिर्फ कालिया साहब के घर का प्लान दिखाओ। प्लान मैडम ठीक है मैं बता, आप मुझे खाली ये बताइए आपको घर में क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए। देखिए उनके पूरे घर में कैमरास होने चाहिए। क्यों, वो बिग बॉस बना रहे हैं? मैं तो कहता हूँ एक ही कमरा बनवाओ, वो भी उनके बेडरूम में, जितनी लड़कियां उनके इर्द गिर्द रहती है ना, रोज के 2 MMS भी बनाओ, साल के लाखों रुपए कमा सकते हैं आप। बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, मैं यहाँ तुम्हारे बकवास सुनने नहीं आई। अरे मैडम आप तो वैसे ही गुस्सा करेंगी, मैं तो सच बोल रहा था। अब एक बात बताए, क्या है मैडम एक बात बताए, घर पे कितने मतलब कितने कमरे चाहिए आपको? देखिए उनके पिछले वाले घर में 400 कमरे थे। घर था कि धर्मशाला थी? क्या था 400 कमरे? क्यों मतलब सारी एयर होस्टेस उधर ही लैंड करती है क्या? देखो वो सारे कमरे उनके अपने लिए थे। ये देख लो हमारे देश की विडंबना, छोटे से फुटपाथ पे 400-400 लोग सोते हैं, दूसरी तरफ जिस आदमी के फैमिली के मेंबर 4 भी नहीं है, 400-400 कमरे। एक बात बताएं, आप भी रात को उधर ही रुकती हैं? देखो जिस तरह के तुम बकवास कर रहे हो ना, तुम आर्किटेक्ट तो नहीं लगते। मैडम 101% आर्किटेक्ट हूँ मैं, कल ही बनाऊँ अभी मैं। क्या? कल ही मेरे मोबाइल पे मैसेज आया कि 10वीं फेल डायरेक्ट आर्किटेक्ट बने। मतलब तुम्हारे पास 2 नंबर का सर्टिफिकेट है? 100 नंबर का, 100 में से 98 मैंने जिससे लिया था ना उसने खाली दिया था, बोलता जितने नंबर बनने भर लो।
मैं तो पहले मोबाइल नंबर भर रहा था, वो तो मेरे को पाजी ने सलाह दी, कहते तू बेवकूफ मोबाइल नंबर नहीं भरते, सर्टिफिकेट पे अपना पैन कार्ड भरते हैं। क्या मतलब तुम नकली आर्किटेक्ट हो? मैडम दुनिया में असली है क्या? एजुकेशन इतनी महंगी हो रही है, 26-26 लाख रुपया खर्च करके भी आप डॉक्टर नहीं बनते हो। गरीबों के बच्चे तो डॉक्टर बनते नहीं, आपस में डॉक्टर डॉक्टर खेल के एंजॉय कर लेते हैं। क्या करे आदमी, ये तो क्या क्या मतलब? कहने का मतलब बेचारे लगे ढाबे पे होते हैं, एक दूसरे को डॉक्टर डॉक्टर कह के खुश होते, डॉक्टर गुप्ता बर्तन उठा लीजिए पेशेंट आएंगे तो क्या कहेंगे, दूसरा भी कहते डॉक्टर राहुल मैं बर्तन तो उठा लूंगा लेकिन आप टेबल पे कपड़ा तो मारिए। तो दैट्स काइंड ऑफ जेस्चर एंड द लवली एंड व्हाटएवर, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। देखो yes. मैं यहां तुम्हारे बकवास सुनने नहीं आई हूं, मुझे सिर्फ उनके घर का डिजाइन दिखाओ बस। डिजाइन आप मेरे को कॉपी पेन दे, मैं अभी बना देता हूँ, 2 मिनट में। उसमें क्या है? क्या? तुम अभी कैसे बना सकते हो? मैडम उसमें क्या है, आपको पता है हमारे मोहल्ले में शादी की लड़की मेहंदी वाला भाग गया, मैंने खड़े खड़े दुल्हन के पैरों में मेहंदी लगाई। उसमें मिस्टर आर्किटेक्ट ये मेहंदी का डिजाइन नहीं है, ये कालिया साहब के घर का डिजाइन है, ऑन द स्पॉट कैसे बन सकता है? मैडम ऑन द स्पॉट स्क्रिप्ट बना के खड़े खड़े परफॉर्म कर ही रहे ना, तो घर का डिजाइन क्या चीज है? देखो क्या तुमने स्टडी भी किया है कि कालिया साहब को क्या क्या पसंद है? स्टडी करने वाली कौन सी बात है इसमें, कोई भी घटिया सी चीज का करोड़ रुपए दाम रख दो बोली लगाने आई जाते हैं वो। आपको पता पिछली एग्जीबिशन में पिछले दिनों किसी एग्जीबिशन में गए, 35 रुपए का जॉकी का कच्छा 150 करोड़ रुपए में खरीद लाए। उनको किसी ने ऐसे बता दिया कि ये हिटलर पहनता था। सच्चाई ये थी कि जहाँ एग्जीबिशन लगी हुई थी ऊपर वाले माले से नीचे गिर गया, बाद में 4 दिन पहना फिर कहते यार मेरे अंडर आर्म्स में रेड रेड हो गया है। उस स्टूपिड अंडर आर्म्स जहाँ होता है उनके भी इधर होता है, तो फिर काहे के अमीर है वो? एक बात बताएं कालिया साहब का बजट कितना है? Have you lost it? तुम कालिया साहब का बजट पूछ रहे हो? मैडम पूछना पड़ता है, इसमें क्या है? पिछली बार मैंने कल्लू हलवाई का घर बनाया, 3000 रुपए कम पड़ गया, मैंने बाथरूम बीच में छोड़ दिया, अभी वो चाशनी वाला लोटा लेके ना खेतों में जलेबियां निकालने जाता है। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम ये घर कंप्लीट करके कब दोगे बस? मैडम देखो आप ये ना समझे कि मैंने कभी घर नहीं बनाए, मैंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं। मेरी सगी फूफी की शादी थी, उसके बेटे की शादी हुई बाद में, उसका स्वागरात का कमरा मैंने डिजाइन किया, मैंने थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा क्रेज रखना, मैंने भाभी को कहा देखो भाभी बातें करना पहले, ढेर सारी बातें करना, क्रेज बना रहता है। वो इतनी बेवकूफ सारी रात बातें ही करती रही। मेरा भाई बेचारा घूंघट उठाए बिना सो गया, सुबह उसने जाके अदालत में केस दायर कर दिया, कहता मेरे साथ गलती से शेखर सुमन ने निकाह कर लिया है। सारी रात बातें करता रहा। देखिए मैडम घर मैं कंप्लीट कर दूंगा आपका, शुरू करने की बात है, मैं तो 4 घंटे में घर बना दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है 4 घंटे में तुम कलिया साहब का घर बना दोगे? कुछ बना उसमें दो फ्लोर बनाना है, 2 फ्लोर। देखो मुझे पता है मैं इंजीनियर हूँ डॉक्टर नहीं, ओके? 2 फ्लोर बनाना है, लेकिन मैं 15 फ्लोर का घर बनाऊंगा, लेकिन मैं शुरू दूसरे माले से करूंगा, पहला माला मेरे को नहीं बनाना आता। अबे पागल, अगर फर्स्ट फ्लोर नहीं बनाएगा तो सेकंड फ्लोर कैसे बनाएगा? आप फर्स्ट किसी और से बना लीजिए, मेरे को आइडिया आ जाएगा ना कैसे बना, तो मैं उसी हिसाब से बना लूंगा। मैं निकल यहां से, निकल वरना मैं सिक्योरिटी बुलाकर तुझे यहां से धक्के मार के निकलवा दूंगी। आपने मेरे को पहचाना नहीं, मैं ही सिक्योरिटी, ये देखिए। What? Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! जाओ फिर get out, सारी दुनिया मेरे इससे। मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो पहले। क्या? आगरा किस चीज के लिए फेमस है? Oh no! ताजमहल के लिए। ताजमहल के लिए और पेठा के लिए और पागल खाने के लिए। पागल खाने का एड्रेस बताओ। पागल खाने का एड्रेस मुझे कैसे पता हो सकता है? क्या? तो फिर मैं घर कैसे जाऊंगा? ये सेम चीज हमने पिछले हफ्ते किया था। तो तुम्हें क्या लगता है पागल 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है? तो 4 साल से बैठी ठीक नहीं, तो तुम मेरे से क्या उम्मीद करती? मैं 1 हफ्ते में ठीक हो जाऊं? मैं घर कैसे जाऊंगा? अच्छा जी ठीक है, रो मत सुरेंद्र, कल जब तू जाएगा ना इसको प्लीज अपने साथ लेते जाना। और अर्चना तुम कहाँ इन पागलों के बीच फंस गई हो, चलो हाँ। जल्दी से मार्क दो, तुम भी जाओ और हम भी जाएं यार। अर्चना थैंक यू सो मच। एक टाइम बाद वो जो कपिलिज्म वाला जो एक्ट है जो मुझे बहुत पसंद है, दैट आई एम सीइंग एन एविडेंस ऑफ। एंड श्वेता पहले भी कहा है कि आप जब आती हैं स्टेज पर यू विन द बैटल फॉर
Kapil, for your partner. Wonderful, wonderful, beautiful. Thank you, ma'am. Suhail. Jo bhi maine thoda seekha, I've learned from my dad. And he says that if you look the character, half the battle is won. The thing about Shweta and Kapil, they look the characters. It amazes me that we've got talent of you kind with us. Yeah. Thank you, Suhail bhai. कपिल पाजली यही कमा के यार बहुत कमाल कर देने हमेशा और जब भी कॉमेडी सर्कस देखता हूँ तो मैं इनका कोई एपिसोड मिस नहीं करता थैंक यू भाजी और सुनता इसको लेकिन देखता हमेशा श्वेता को मैं सोहेल भाई बोल नहीं पाते लेकिन मैंने बोल दिया थैंक यू कपिल पाजी जी मैं करना कि कपिल जी गाते बहुत अच्छा है यार एंड जैसे मैंने बोला कि हमेशा सुनता आपको लेकिन देखता मेरी जान को आई लव यू श्वेता सोहेल अर्चना क्या स्कोर्स देंगे आप इन्हें 10 points! Archana! 10 points! For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.